नमस्कार प्यारे साथियों, आज है डे 22 तपस्या एनुअल प्रिपरेशन का TAP। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम पुनः ज्योग्राफी का रुख करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी नंबर 7। आज हमारा 7वां सेशन है ज्योग्राफी का। आप लोगों को ज्योग्राफी इतना अच्छा लग रहा है कि भाई हमने सोचा इसी सीरीज में 3 सेशन और ज्योग्राफी के ले लिए जाए। और आज का टॉपिक तो इतना मजेदार है, चोक पॉइंट्स। चोक पॉइंट्स का मतलब होता है दुनिया के समुद्री व्यापार में जहां जाकर जगह कम हो जाती है जहाजों के पास होने की, वहां चोक पॉइंट निर्मित हो जाते हैं। ऑल द पैसेजेस इन द वेरियस ओशंस ऑफ द वर्ल्ड विच आर कंस्ट्रेंड बाय लैंड ऑन बोथ द साइड, देयर बाय हिंडरिंग द पैसेज ऑफ अ मैरिटाइम वेसल फॉर ट्रेड, बिकम्स अ चोक पॉइंट। कोई बात नहीं, अभी सब पूरा पढ़ाएंगे, तो तैयार हैं आप, शुरू करें। भैया जरा फटाफट करके दिखाएंगे, लिख दो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, कृष्ण गोपाल झारिया जबलपुर से, स्वागत है कृष्ण। मोना भाटिया करनाल हरियाणा से, स्वागत है मोना। और अनुराग कुमार लखनऊ से, अनुराग जी स्वागत है आपका। आइए आज का काम शुरू करें। याद रखें, ऑफिशियली एनरोल करना मत भूलें, अपने साथियों को दोस्तों को भी कराते चलें ताकि हमारे ऑफर्स और हमारे ईमेल्स आप तक आते रहें। ये मास्टर कंपाइलेशन हमारे सभी रजिस्टर्ड IAS एकेडमी के स्टूडेंट को PTSRC में दिया है, बाकी के लोग इसका PDF अवश्य परचेस करें। ये एक अद्भुत कंपाइलेशन है गवर्नमेंट स्कीम्स का, अंग्रेजी में PDF है, बहुत यूजफुल होगा। चालू करते हैं, चोक पॉइंट्स रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स एंड GS पेपर 1। तो भैया हमने सेशन 6 में वर्ल्ड ओशंस की बात की थी, याद है मैंने आपसे कहा था द वर्ल्ड ओशन इज ओनली वन, वी ह्यूमंस हैव डिवाइडेड इट इनटू पीसेस फॉर आर बेनिफिट, यस और नो, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। तो ये है वर्ल्ड ओशन। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखकर मुझे बताएं कहां कहां आपको चोक पॉइंट्स बनते दिख रहे हैं। क्या ऊपर आर्कटिक क्षेत्र में या नीचे एंटार्कटिक क्षेत्र में आपको कहीं कोई चोक पॉइंट बनता दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि वहां तो सब खुला है, आवाजाही है और वहां तो कोई ट्रेड करने जाता भी नहीं है। लेकिन बाकी जगहों पर चोक पॉइंट्स बन जाते हैं, कैसे बनते हैं वही आज हमें पढ़ना है। तो मेरा पहला सवाल आप सबसे प्यारे दोस्तों, कुछ चोक पॉइंट्स के नाम बताइए हमें। आप सबने पढ़ा है स्कूल में, यहां तो हम रिविजन कर रहे हैं, है ना, हमारी तपस्या में आपको 150 दिनों तक हम ये पढ़ाते चलेंगे, अच्छे से पढ़ें। पेट्रोलियम ट्रांजिट वॉल्यूम्स, देखिए इस तरह के बहुत सारे एनालिसिस दुनिया में आते रहते हैं। ये दुनिया के टॉप चोक पॉइंट्स हैं, पैनामा कैनाल, केप ऑफ गुड होप, डेनिश स्ट्रेट, टर्किश स्ट्रेट, सुएस कैनाल, बैबल मंडेब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बड़ी खतरनाक जगह है बाबा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, चाइना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण। वैसे चीन अभी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, और इतना हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लोगों ने बड़ा लाइट में लिया शुरू में, खासतौर पर शी जिनपिंग साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कितने लोग एग्री करते हैं, गलती क्यों हो गई? क्योंकि वो जो कुछ 7 दिन 15 दिन 21 दिन निकल गए ना, उसमें लाखों लोगों तक वो पहुंच गया, और अब उसको रोकते रोकते नाक में दम आ चुका है, और दुनिया के नए नए देशों में अब केसेस आने शुरू हो गए। तो 2020 में होगा क्या, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है प्यारे दोस्तों, उसकी जो वृद्धि दर है वो कोरोना वायरस की भेंट चढ़ना तय है। और अभी किसी को पता नहीं है कि वो कब जाकर रुकेगा, कहां जाकर रुकेगा, भगवान से प्रार्थना है कि कल सुबह रुक जाए। लेकिन ये वायरस जो होते ना, बड़े बदमाश प्राणी है भैया, ये रुकते नहीं, और एक बार ह्यूमन सिस्टम में आ गए तो फिर बाहर नहीं निकलते। ह्यूमंस विल डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट देम, लेकिन उसका टोल बहुत ज्यादा होता है। तो ये दुनिया के टॉप मैरीटाइम पॉइंट्स हैं, उनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस बार ग्राफ से समझ में आ रहा है। तो मुझे एक बार बताओ, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला बार और मिनिमम वॉल्यूम वाले बार का रेशियो क्या है? प्यारे साथियों, दीज आर द चोक पॉइंट सीन विद द हेल्प ऑफ एरोज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। दिख रहा है आपको? देखिए, मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया से मध्य पूर्व से निकलने वाला ऑयल मैक्सिमम ट्रेड का कारण बनता है। अब आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखिए, वहां से चीन कितना कुछ जा रहा है, इसीलिए चाइना बड़ा परेशान है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के सिर के ऊपर इंडिया बैठा हुआ है, अंडमान निकोबार, और वहां पे हमारा ट्राई सर्विसेज कमांड भी है। आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों? ये हैं दुनिया के 7 सबसे बड़े वर्ल्ड ट्रेड चोक पॉइंट्स, विश्व व्यापार के चोक पॉइंट्स। अब अगर आप इनकी तरफ ध्यान से देखेंगे, द मलक्कन स्ट्रेट कहां पे है भैया? हिंद महासागर, गल्फ ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज की खाड़ी कहां है? मध्य पूर्व। स्विस कैनल, स्विस नहर कहां पर है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हुई। पैनामा कैनल कहां पे है भैया? अंध महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती हुई। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, टर्किश स्ट्रेट कहां पर है? भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ती हुई। 3 डेनिश स्ट्रेट्स, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती हुई। और बैबल मंडप, ये एक गेटवे है सुएस कैनाल से, जिनको जाना है तो पहले यहां चुंगी नाका चुकाओ, यहां पर चुंगी कर, चुंगी नाके पे चुकाओ, तो आगे बढ़ने
आपको मिलेगा. सो यू हैव टू पे अ टोल हियर बिफोर यू पे द टोल एट सुएस कैनाल. शुरू करते हैं दोस्तों. हियर इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का. ये सारे आज के हमारे तीनों सेशंस के पीडीएफ आपको 7 बजे पीटी ऐप से मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा. तो ये मलक्का जलडमरू मध्य आपको दिख रहा है, एक तरफ मलेशिया है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया है, और इसके बीच में से बहुत बड़ा व्यापार निकल कर जाता है. चीन की तरफ बहुत कुछ जाता है, और इसीलिए चीन बड़ा परेशान है, क्योंकि आप अंडमान सी देख रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स देख रहे हैं, और यहां पर सारा का सारा ट्राई सर्विसेज कमांड देख रहे हैं. लोकेशन अच्छे से समझ में आई. सारे सागरों के नाम याद रखना, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे. थोड़ा सा जूम इन करते हैं. तो अब आप देख रहे हैं लाल एरो लगा हुआ है स्ट्रेट ऑफ मलक्का. यहां से जहाज आते हैं ऊपर की तरफ निकल जाते हैं. तो चीन चाहता है कि मलक्का स्ट्रेट में किसी दिन दिक्कत हो गई, कोई पंगे हो गए, तो भैया बाईपास चाहिए. तो बाईपास कैसे बनाएंगे? थाईलैंड से बनाएंगे. थाईलैंड से कैसे बनाएंगे? क्रैक कैनाल बना रहा है. हालांकि क्रैक कैनाल बनी नहीं है, प्रपोजल है, लेकिन वो कर लेगा. तो ये है पूरा का पूरा पॉलिटिक्स यहाँ का. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सिंगापुर जो है वो पहले मलेशिया का हिस्सा था, उसके बाद वो आज़ाद देश बना, सिटी स्टेट बना, काफ़ी छोटा सा शहर है कंपैरेटिवली, लेकिन अपने आप में दुनिया में जाना माना फाइनेंशियल सेंटर, आर्बिट्रेशन सेंटर इत्यादि है. पहले मछुआरों की बस्ती हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन लाकर ली क्वान यू जो उनके फाउंडर थे, उन्होंने उस जगह को एक दुनिया का एडवांस सिटी स्टेट बना दिया. तो यह है पूरी कहानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का की. अब चलें गल्फ ऑफ हॉर्मुज की तरफ. मजा आ रहा है सेशन में, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आप में से कोई कभी ट्रिप पर गया है, घूमने फिरने गया, और इनमें से किसी जगह से गुजरा है, तो जरूर बताना अपना अनुभव. गल्फ ऑफ हॉर्मुज पर आ गए प्यारे दोस्तों. हॉर्मुज की खाड़ी आप देख ही रहे हैं, यहां ईरान का दबदबा है. जनवरी 2020 में आप जानते हैं तब तक कोरोना वायरस इतनी बड़ी चीज बनी नहीं थी, तब अमेरिका और ईरान के बीच ऐसा बोल रहे थे बहुत बड़ा युद्ध होगा, और अब तो कोई युद्ध की सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस से मानवता को लड़ना पड़ रहा है. मानवता बड़ी अजीब चीज है, हम आपस में इतना लड़ते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, देश के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आया है तो वो सीधे मानवता से लड़ रहा है, और मानवता को उस वायरस से, तो हम सब एक भाषा बोलने लग गए. सो अनलेस एंड अंटिल वी आर प्रेजेंटेड विद एन एक्सटर्नल थ्रेट, ह्यूमैनिटी डज नॉट लर्न हाउ टू टॉक विद ईच अदर. एनीवे, तो प्यारे दोस्तों गल्फ ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ आप यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छे से इस चोक पॉइंट को समझ लीजिए. और अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस गल्फ में बना रखी है, क्योंकि 1950 से आज तक यहाँ के तेल के व्यापार में अमेरिका ने दखल रखा है, लेकिन अब तो अमेरिका खुद इतना शेल ऑयल पैदा करने लगा है कि उसका इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट से कम होने लग गया. अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं फिर से, जो भी अगले बनते हैं डेमोक्रेट प्रेसिडेंट, या फिर रिपब्लिकन में तो कोई दूसरा आएगा ही नहीं उनके अलावा, तो जो भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट दूसरे बनते हैं, बहुत सारी नीतियां रातों रात बदलेंगी, आप देखिएगा. तो कितने लोगों को लगता है ट्रंप साहब वापस आएंगे? ये है सुएस कैनाल. आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों. गल्फ ऑफ हॉर्मुज हो गया, अब हम सुएस कैनाल पे चल रहे हैं. सुएस कैनाल जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में है, इसको लेकर युद्ध भी हो चुका है, और आप जानते ही हैं कि ये पूरा ट्रायंगुलर जो पूरा एक हिस्सा है जिसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला, इसका नाम क्या है ये बताइए. तो ये सुएस कैनाल है, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के कब्जे में है, और इंडियन ओशन को सीधे सीधे अटलांटिक से, मेडिटेरेनियन से जोड़ने का जादुई काम करता है सुएस कैनाल. जब पहले अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था तो आप देख रहे हैं 20,000 किलोमीटर का रास्ता तय करके यूरोप से लोग आते थे, उसके बावजूद वो आते रहे, भारत को अपना गुलाम बना लिया. सुएस कैनाल केवल 12,000 किलोमीटर का है, तो सीधे सीधे 8,000 किलोमीटर बचा देता सुएस कैनाल. सोचिए सुएस कैनाल का जूम इन आपको दिखा रहे हैं. दूसरी तरफ पोर्ट सईद ऊपर, तो ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड कैनल है. इससे काफी सारी इसमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं. अब चलते हैं पैनामा कैनाल. बड़ी जादू भरी जगह है. पैनामा कैनाल की ताकत को समझना है तो इसे देखिए आप. सीधे सीधे अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ती है, अदरवाइज आपको पूरा साउथ अमेरिका पार करके नीचे से जाना पड़ता था, सोचिए. लेकिन अब यू कैन सिंपली गो थ्रू द पैनामा कैनाल. चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, और चाइना ये भी चाहता है कि इसका पैरेलल एक कैनल चाइना इस पूरे सेंट्रल अमेरिका क्षेत्र में बनाते. निकारागुआ से उसने बात की इत्यादि, उस पर काफ़ी खबरें हमने पढ़ी थी. दूसरे देशों से चाइना चाहता है कि पैनामा कैनाल का पैरेलल एक बना दें. फिलहाल तो अभी हालत बहुत ख़राब है, जैसा मैंने कहा 2020 में अब इस तरह की चीज़ें शायद हम होती नहीं देखेंगे.
तो ये है पैनामा कैनाल की कहानी। 9 घंटे की यह जर्नी है, लगभग 80 किलोमीटर लंबी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो यहां के सभी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के नाम कमेंट थ्रेड में एक बार लिख दो अच्छे से। मध्य अमेरिकी देशों के नाम लिखो बेटा एक एक करके सारे। दिख रहा है ना स्क्रीन में, मैप में अच्छे से? वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस या टर्किस स्ट्रेट मेडिटेरेनियन को ब्लैक सी से जोड़ता हुआ। तो आप देख रहे हैं एजियन सी, दार्दनेल, सी ऑफ मरमारा, बॉस्फोरस से ब्लैक सी। ये जो चेन है ये याद रख लिए, एजियन सी, दार्दनेल्स, सी ऑफ मरमारा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी। तो मेडिटेरेनियन से ब्लैक सी का रास्ता ऐसा है और यहां पे टर्की का कंट्रोल है। वर्ल्ड वॉर में ये जगह, इससे जुड़े काफी युद्ध हुए हैं इसलिए काफी न्यूज में रहता है। थोड़ा हमने जूम आउट किया है तो ये है टर्की। प्रेसिडेंट का नाम बताइए, टर्की के प्रेसिडेंट कौन है? रजब तैयब अर्दोआ। नाम सुना है आपने? तो रजब तैयब अर्दोआ अभी फिलहाल इस क्षेत्र पर कंट्रोल है उनका। और ये जूम आउट हमने किया है तो मेडिटेरेनियन से ब्लैक सी जाना है तो आपका जो पूरा रास्ता है एजियन सी, दार्दनेल, सी ऑफ मारमारा, बॉस्फोरस, ब्लैक सी। ये ज्योग्राफी याद रखिएगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इस क्षेत्र के कौन से देश हैं, किसके साथ कौन सा सागर है, आपके सामने है पूरा। और आप उससे थोड़ा सा और वेस्ट में जाएंगे तो वो पूरा कॉकेशियन रीजन आ जाएगा। यूगोस्लाविया हुआ करता था जो टूटकर अलग अलग देशों में विभक्त हो गया 1990s में। अब आगे चलते हैं डैनिश स्ट्रेट्स। बड़ी मजेदार जगह है ये, डैनिश है ना, डेनमार्क से जुड़ी हुई। तो द थ्री डैनिश स्ट्रेट्स देख रहे हैं आप, तो ये वहां के मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं। ऑल्दो ये तो वेस्टर्न यूरोप है तो यहां पर कोई ऐसा टेंशन नहीं है जियोपॉलिटिकल, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेट्स तो स्ट्रेट्स ही हैं। जिस दिन डेनमार्क का दिमाग खराब हो गया उस दिन बोलेगा चलो भैया आज से जो है तुम्हारा टोल 10 गुना बढ़ा दिया हमने। हाँ, अब चलते हैं स्ट्रेट ऑफ बैबल मंडप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एज यू कैन सी यहां पर एक बड़ा प्यारा छोटा सा देश है जिबूती। कई बार दुनिया में आपकी लोकेशन ही आपको अमीर बनाने के लिए काफी होती है। तो जिबूती में चाइना ने अपना ओवरसीज नेवल बेस भी बना रखा है, देख रहे हैं ना। तो अदन की खाड़ी से जिबूती बैबल मंडप स्ट्रेट से निकलकर लाल सागर से लेकर सुएज, तो ये पूरा क्षेत्र इतना जियोस्ट्रेटेजिक है। आप देखिए ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, और वहां हमने गल्फ ऑफ हॉर्मुज की बात की थी। फिर यहां हमने देखा गल्फ ऑफ एडन अरेबियन सी से होता हुआ यानी अदन की खाड़ी, फिर जिबूती, बैबल मंडप स्ट्रेट, रेड सी और ऊपर सुएज कैनाल और उसके ऊपर फिर मेडिटेरेनियन। ये सारे रूट्स काफी अच्छे से याद रखिएगा, इनके चार्ट्स बना लीजिए और हम आपको शाम को 7 बजे इसका पीपीटी भी दे ही देंगे। सो दिस इज द बैबल मंडप स्पेसिफिक चोक पॉइंट। ये बड़ा यूजफुल चार्ट है, वर्ल्ड एटलस से लाए हैं हम, इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। हिंद महासागर से निकला अरब सी, अरब सागर, ऊपर की तरफ निकल जाएंगे तो ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस, और यहां देखेंगे अदन की खाड़ी, लाल सागर से लेके भूमध्य सागर और बीच में नेचुरली सुएज कैनाल। तो ये पूरा ही क्षेत्र अपने आप में पूरा फ्लैश पॉइंट रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। तो ये कहानी थी आज के हमारे सारे चोक पॉइंट्स की। इससे जुड़े कुछ जीएस के सवाल हमने यहां दिए हैं, इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, आई एम श्योर आप अच्छे से करेंगे। मास्टर कंपाइलेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स ध्यान से पढ़ें। आज का सेशन कैसा लगा 100 में से मार्क दीजिए। ये जनरल अवेयरनेस सेशन था, बहुत सारे अलग अलग डेटा पॉइंट्स को एक जगह लाके आपको ओरिएंट करने का हमारा छोटा सा प्रयास। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा। पढ़ते रहिए, इन सभी सेवाओं का पूरा पूरा लाभ लेते रहिए। अब हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी नंबर 8 में। आपको मजा आ रहा है ना ज्योग्राफी में, 7, 8, 9 कर लें उसके बाद फिर टॉपिक को चेंज करेंगे। अब इसके बाद हम गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे और फिर प्रीलिम्स एमसीक्यूज। मेरी तरफ से आज इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।